अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 हमें दिया हुआ है, व्हेन एनी वन पार्टनर्स इज गेनिंग, यानी कि कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसकी किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इस इलस्ट्रेशन में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आगे रेशियो में हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया था, ठीक, तो हमारा फॉर्मूला भी उसी के लिए भी सेम दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो, लेकिन फ़र्क क्या है, हम सेक्रीफाइस में पहले ओल्ड निकालते थे फिर न्यू निकालते थे, इसमें हम उल्टा करेंगे, यानी कि गेनिंग रेशियो हमारा क्या निकलेगा, न्यू रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। अब हम सारे हमारे जो सम है जो गेनिंग रेशियो के लिए हैं वो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होंगे, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, न्यू वाला लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ओल्ड वाला लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक सम यहाँ पे गेनिंग रेशियो का भी देख लेते हैं, जैसे कि आगे सेक्रीफाइस का था उसी तरीके से यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी हम एज इट इज़ वैसे ही निकालेंगे, फ़र्क सिर्फ फार्मूला ही में ही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब जब हमारा आंसर निकलेगा माइनस में, तो उसे हम गेन रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, जैसे कि हम आगे देखेंगे इलस्ट्रेशन 4। ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद, ये तीनों क्या है, पार्टनर्स है एक फॉर्म के, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि उनका रेशियो क्या है, 1:1:1, ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर भी इसे चेंज करेंगे, फ्यूचर में भी 1:2:3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेन रेशियो, इसका हमें गेन रेशियो है वो हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम निकालते हैं, पहले हमें जो भी आगे सम्स किए थे इलस्ट्रेशन वो सेक्रीफाइस किए थे, अब हम गेनिंग रेशियो के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे इलस्ट्रेशन 4 में व्हेन एनी वन पार्टनर इज गेनिंग, उसके लिए हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे जो हमने नाम लिखे थे सेक्रीफाइस में, वैसे ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद टोटल, और ये भी हमारी सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। अब नीचे हमारा थोड़ा सा सिर्फ चेंज आएगा, अब हमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी एज इट इज़ जैसे पहले बनाया था वैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो ओल्ड शेयर था वो कितना था, 1:1:1, यानी कि तीनों का इक्वल ही है, टोटल करेंगे तो 3 आएगा, इनका जो ओल्ड शेयर क्रिएट होगा वो 1:3 के फॉर्म में ही क्रिएट होगा, फिर इनका जो न्यू रेशियो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1:2:3, ठीक है, इसका भी हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 1:6, 2:6 एंड 3:6, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके लिए पार्टनर्स जो गेन कर रहा है उसके लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सेक्रीफाइस में हम पहले ओल्ड लिखते थे, इसमें हम पहले न्यू लिखेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो यहाँ पे पहले हम ध्रुविल का देख लेते हैं, ध्रुविल का यहाँ पे जो न्यू शेयर यानी कि 1:6:1:3, ठीक है, पहले हम जो करते थे उसमें हम पहले अगर ये सेक्रीफाइस में होता टर्म तो पहले हम 1:3 और 1:6 लिखते, ठीक है, इसमें हम उल्टा करेंगे प्रोसेस, यानी कि पहले न्यू शेयर लिखेंगे यानी कि 1:6 माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1:3 के शेयर को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो मेरा सेम ही आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और ऊपर मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1-2, ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करें जैसे हमने आगे कैलकुलेट किया था वैसे, ठीक है, तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा, 1:6-1:6 जो मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइस टर्म है वो मेरे यहाँ पे निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम गोपी के लिए करते हैं, गोपीज गेन जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2:6 दिया हुआ है और 1:3 दिया हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे एलसीएम तो हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, और इसे हम अगर कट करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे 2:2 ही आएगा टर्म, ठीक है, यहाँ पे 1 से करेंगे और यहाँ पे 3 से करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमारा 2-2 यहाँ पे टर्म आएगा, जो यहाँ पे 2-2 यानी कि 0, ठीक है, 2-2 दिया था 0 आएगा और 6 का 6 टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 0 टर्म आया है तो गोपीज का जो गेन होगा वो क्या होगा, मेरा 0 ही होगा, ठीक है, यानी कि कुछ भी वो यहाँ पे नहीं कर रही है। अब यहाँ पे मुकुंद का गेन हम देखते हैं, मुकुंद का यहाँ पे था 3:6-1:3 था, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर इसे एलसीएम मेथड से यहाँ पे करेंगे तो 6 ही आएगा नीचे मेरा और ऊपर मेरा 3:2 आएगा, यहाँ पे 1:6 क्या मेरा, मैंने यहाँ पे मुकुंद का जो गेन है वो 1:6 यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे हमारे लिए हियर न्यू प्रॉफिट माइनस लॉस शेयरिंग रेशियो, जो हमारा रेशियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा रेशियो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट होगा, जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो उसका क्रिएट हुआ है, ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस में टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर है वो मेरा यहाँ पे कितना क्रिएट होगा, 2:6 जो आगे मेरा क्रिएट हुआ था, अब इसे करेंगे कैलकुलेट, 1:3 यहाँ पे आ सकता है, हेयर ओल्ड रेशियो यानी कि इसका जो ओल्ड रेशियो है एक्चुअली में यहाँ पे क्या आएगा, 1:3 आएगा, गेन बाय मुकुंद, मुकुंद ने यहाँ पे क्या किया है, गेन किया है ड्यू टू ड्यूअल सेक्रीफाइस, ड्यूअल का जो सेक्रीफाइस है उससे मुकुंद ने यहाँ पे गेन किया है, इस तरीके से हम करेंगे।